आज जो हम लोग डेमो दिखाने वाले हैं वो जो पैड होते हैं महिला लोग जो यूज करते हैं उसके बारे में है। और ये योजना के तहत हम लोग आए हैं सिटी शॉप कंपनी से। ये नारी सुरक्षा योजना है और इसमें हम लोग इसका डेमो देखेंगे कि ये पैड और मार्केट का जो पैड मिलता है इनमें अंतर क्या है। तो सबसे पहला जो चीज है कि ये जो पैकेट है ये मार्केट का है। तो ये पैकेट को जैसे हम लोग खोलेंगे और इस पैकेट को खोलें यूज करने के लिए, कोई भी महिला इस पैकेट को खोलते हैं और खोलने के बाद क्या करते हैं कि एक पीस निकालते हैं, ठीक है, एक पीस यूज करने के लिए निकालते हैं, एक पीस निकालें और इसको यूज करने के लिए निकालें। उसके बाद क्या होता है ये खुला ही रहता है और इसको क्या करते हैं छुपा के या कहीं पर भी अचड़ा कचड़ा जगह में इसको महिला लोग रख देते हैं। तो ये क्या होता है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपका बैक्टीरिया, जीवाणु, आपका धूल मैल घुस सकता है जो बॉडी के साथ रहने से उनको उसमें दिक्कत आ सकता है, बहुत सारा प्रॉब्लम उस जगह से होता है। और हम लोग ज्यादातर देखते हैं महिला लोगों का क्या होता है, 40 के बाद ऑपरेशन तक का नौबत आ जाता है। ये पैड है, ये लोकल का पैड है, ओके। और ये लोकल का जो पैड है इसमें आपका कोई पैकेटिंग नहीं है ये यूज करने के लिए, तो इसमें धूल मैल घुसेगा और इसमें दिक्कत आ सकता है। इसके बाद क्या है कि ये जो है इसको आप लोग अगर अच्छे से मार्केट वाला आप लोग यूज करते हैं उसको आप लोग अच्छे से महसूस कीजिएगा, छुइएगा या टच कीजिएगा तो आप लोगों को मालूम चलेगा कि ये आपका टोटली कॉटन का नहीं है, इसके अंदर प्लास्टिक मिला हुआ है। आप लोग अगर टच करेंगे तो मेन बात है कि आपको ये जो पैड है इसको हम लोग डेमो देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इस पैड को क्या किए, एक थाली में हम लोग इसको चिपका दिए, देखिए चिपका दिए हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग पानी देंगे और देखेंगे इसका क्षमता कितना है पानी लेने का। तो मैं इसको मदद करने के लिए हम पलाश जी को बुलाना चाहते हैं, पलाश जी थोड़ा ये, ठीक है। ये आपका जो ढक्कन है ये देखिए 30 ml का है, पूरा ढक्कन देखिए लिखा हुआ है 10 ml 20 ml 30 ml, ये टोटल 30 ml का ये ढक्कन है, ओके। और इसमें हम लोग देखेंगे पानी कितना इसमें ले रहा है, ठीक है, आराम से, ठीक है। तो ये 30 ml पानी हमने ले लिए हैं और इसको हम लोग धीरे धीरे इसमें डालेंगे, ओके। ये लोकल वाला है, नॉर्मल जो हम लोग दुकान में आसानी से मिल जाता है वो वाला पैड है। और देखिए हम लोग 30 ml इसमें दिए, ओके, 30 ml दिए। अब 30 ml देने के बाद इसमें आप हाथ देके देखेंगे तो देखिए हल्का सा पानी आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग फिर से और 30 ml देंगे, ठीक है। देखिए फिर से हम 30 ml ले लिए पानी पूरा भरती, इसके बाद फिर से 30 ml यानी टोटल 60 ml पानी हमने दे दिया है। अब देखिए इसमें अच्छे से अगर आप लोग देखिएगा तो देखिए पानी निकल रहा है, ठीक है, इसमें हाथ दे रहे हैं तो पानी निकल रहा है और मेरा हाथ भी देखिए भीग गया है, ठीक है, ओके। ये देखिए पानी अगर दबा रहे हैं तो इसमें पानी नीचे आ रहा है, देखिए पानी गिर रहा है, देख रहे हैं, दबा रहे हैं तो पानी गिर रहा है, ओके। यानी 60 ml पानी, यानी इसमें अगर और 30 ml पानी दे दें तो ये जो इसका जो चीज है वो बाहर आ जाएगा, यानी ये और पानी नहीं ले सकता है, ठीक है। इसका जो क्षमता है इसको अगर हम लोग दबाएंगे इसमें और पानी निकलेगा, यानी ये भीगा हुआ चीज अगर हम लोगों के माँ बहन के बॉडी के साथ रहता है तो कितना दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग जो इसको पैसा देके खरीदते हैं और खरीदने के बाद इसको यूज करते हैं तो इसमें हमको जो भी पैसा लेता है 5 रुपया 6 रुपया 7 रुपया जो पैसा लेता है इसमें हमको देता क्या है, तो देख लेते हैं। और इसमें हम चेक करते हैं कि इसके अंदर है क्या। तो सबसे पहले इसको हम लोग फाड़ लेते हैं, देखिए ये फट नहीं रहा, क्यों, क्योंकि ये प्लास्टिक है, ठीक है, प्लास्टिक, देखिए अब ये क्या है, देखिए क्या है, प्लास्टिक, ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक है, क्या है, प्लास्टिक है, ठीक है। प्लास्टिक अपने शरीर में रहेगा क्या क्षति करेगा वो आप समझ सकते हैं। इसके बाद क्या है, इसमें एक परत है या आपका वन लेयर है, ठीक है। एक ही लेयर है, ठीक है, और इसको भी हम लोग दबाएंगे तो इसमें भी पानी निकलेगा,
ठीक है, और इसमें एक ही लेयर है, और लेयर के बाद क्या है, इसको अगर फाड़ेंगे देखिए क्या है, प्लास्टिक है, क्या है, प्लास्टिक, प्लास्टिक है, देखिए फट नहीं रहा है, देखिए समझ रहे हैं कि ये पूरा क्या है, प्लास्टिक, प्लास्टिक है, ठीक है। अब प्लास्टिक क्या साथ आपको खराबी करता है ये हम लोग जानते हैं। दूसरा है इसके बाद क्या है, इसके नीचे, तो इसके नीचे आपका क्या है न, आपको मिलेगा क्या न, रुई, क्या मिलेगा, रुई, ये मिलेगा रुई, यानी रुई, और रुई को भी हम लोग अभी दबाएंगे तो क्या निकलेगा, पानी, 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 ठीक है, यानी ये पानी को क्या किया, अगर उसको दबाएंगे तो पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। और ये जो रुई है, ये रुई चीज क्या है, ये रुई क्या करता है, हम लोग जैसे ठंडा के मौसम में रुई क्या ही हम लोग कंबल ये सब व्यवहार करते हैं, यानी ये गर्म करने के लिए इसको यूज होता है, और ये जिस जगह में यूज होता है वो जगह भी गर्म होता है, यानी गर्म और उसके बाद गर्म और उसके अंदर पानी, तो उस जगह को खराब करता है। ऐसा भी बहुत महिला लोगों के साथ होता है कि उस जगह को जला देता है या ऑपरेशन तक का नौबत आता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इस चीज को देख लिए, इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि जो हम लोग सिटी शॉप के कंपनी का है इसका क्या लाभ है, और इसका क्या आपको डेमो है, और ये कितना अच्छा है ये आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बहुत खूबसूरत एक पैकेट है, अगर हम लोग इसको लेके भी जाएंगे तो अच्छा दिखेगा, पैकेट भी बहुत खूबसूरत है, और इसको खोलेंगे, खोलने के बाद क्या है, एक पैड हम जिसमें, इसमें आपको पैड में 10 पैड आपको इसमें मिलेगा, और 10 पैड में क्या है कि आप एक पैड को निकालें, ठीक है, एक पैड आपका निकल गया, बाकी को आप क्या किए ऐसे करके बंद करके रख दिए, क्या धूल मैला घुसेगा, क्या इसमें बैक्टीरिया घुसेगा, चलिए इसमें अगर घुस भी गया तो इसके अंदर और एक पैकेटिंग है, यानी आपका जो पैड है वो आपका खुला हुआ नहीं है, ये भी आपका क्या है पूरा सील पैक है, ये आपका क्या है पूरा दोनों तरफ सील पैक है, यानी इसको अगर फाड़ेंगे निकालेंगे तब मेरा पैड निकलेगा, यानी इसको हम लोग यहां से फाड़ते हैं, पैकेट को फाड़ते हैं, तो पैकेट को हम पैकेट से निकाल लिए, निकाल लिए थे, ऐसे ये नजर आता है, ठीक है, ये नजर आता है, और इसको हम लोग इस थाली में जैसे उसमें उस चीज को लगाए थे इसको भी हम लोग ऐसे लगा लेंगे, ओके, चिपका लिए। इसमें क्या है ये देखिए, बीचों बीच एक हरा कलर का कुछ दिख रहा है आपको, ये एंटी रेडिएशन चिप है, और इसका भी हम आपको डेमो दिखाएंगे कि इसका काम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पानी देके देखेंगे, उसमें जैसे हम लोग 60 ml पानी दिए थे इसमें भी हम लोग देखेंगे कि कितना पानी ये लेता है, ठीक है। ये देखिए हमने 30 ml पानी लिए, देखिए पानी दे दिए पूरा, ठीक है, 30 ml, इसके बाद फिर से 30 ml दे रहे हैं, देखिए पूरा 30 ml 60 ml दे दिए, और 60 ml पानी देने के बाद आपका इसका क्या स्थिति है हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें हम हाथ दे रहे हैं, ठीक है, हाथ में कुछ पानी वगैरह कुछ नहीं है, इसको हम लोग दबा रहे हैं तो भी पानी नहीं है, ठीक है। आप देखिए इधर सर को हम दिखा रहे हैं, सर थोड़ा हाथ में इसमें देखिए, तो पानी है नहीं है, पानी है नहीं है, सर देखिए पानी है इसमें नहीं है, थोड़ा सा भी हाथ में थोड़ा सा भी पानी आ रहा है, ठीक है। तो जो परीक्षा है और इसको थोड़ा टफ किया जाए और इसमें और 30 ml पानी डाला जाए, ओके, यानी 60 ml पानी दे दिए हैं और 30 ml दे रहे हैं, ठीक है, यानी आपका 90 ml पानी इसमें जा रहा है, यानी 90 ml पानी हम इसमें दे चुके हैं, तीन बार में 30-30 ml करके हम 90 ml पानी इसमें दे चुके हैं, और इसके बाद इसका जो स्थिति है वो हम लोग चेक करेंगे। देखिए मेरे हाथ में थोड़ा सा भी पानी नहीं आ रहा है, थोड़ा सा भी पानी नहीं आ रहा है, इसको हम ऐसे करके दबाएंगे भी तो भी मेरा पानी एक ड्रॉप भी नहीं आ रहा है 90 ml पानी देने के बाद भी। सर से फिर से एक बार चेक करवाएंगे कि देखिए सर
क्या पानी आ रहा है सर? हाथ में थोड़ा सा भी पानी? थोड़ा नहीं है। हाथ में थोड़ा सा भी पानी? नहीं। पूरा सूखा हुआ चीज है। यानी अगर महिला लोग इसको व्यवहार करेगा तो उसको कितना अच्छा महसूस होगा। चलिए इस चीज को क्या और थोड़ा टफ किया जाए। 90 ml पानी दे चुके हैं और 30 ml पानी देते हैं। यानी टोटल कितना पानी दे दिए? 120 ml पानी, ठीक है? जो आपका जो मार्केट वाला जो आप पैड लिए थे उसका डबल, उसमें 60 ml पानी में ही पानी निकाल दिया था, उससे ज्यादा रख नहीं पाया था। इसका डबल पानी यहाँ पर हम लोग ने यूज कर लिए, 120 ml दिए थे। और अभी भी आप हाथ लगाएंगे तो आपको पानी नहीं मिलेगा। इसको ऐसे करके हम इसको दबाएंगे तो भी पानी नहीं मिलेगा। आप सब छू के देख सकते हैं क्या इसमें पानी आ रहा है? नहीं सर। पानी है? नहीं सर। थोड़ा सा भी नहीं है? थोड़ा सा भी पानी नहीं है। तो ऐसा क्या चीज है जिसको दबाने पर भी पानी नहीं निकल रहा है और इतना पानी को एब्जॉर्ब कर लिया और ये पूरा ऊपर का ऊपर सूखा हुआ है? आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा भी पानी नहीं है। ओके, तो इसके अंदर है क्या? ठीक है, तो उसको भी चेक कर लेते हैं कि इसमें जो पैसा लिया जाता है इसमें हम लोग को क्या देता है। तो इसको पहले हम लोग इसको फाड़ के चेक करते हैं। देखिए कितना आसानी से ये खुल गया। क्यों? क्योंकि ये पूरा क्या चीज का है? ये पूरा चीज कॉटन का है, ठीक है? आप लोग गिनिएगा कि कितना लेयर हम उठा रहे हैं, ठीक है? ये कितना लेयर है? फर्स्ट लेयर। ये क्या लेयर है? फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर, ठीक है? ये आपका हो गया फर्स्ट लेयर। इसको अगर हम दबाते हैं, ऐसे करके दबाते हैं, फिर भी एक ड्रॉप पानी निकला? नहीं। पानी निकला? नहीं, नहीं। इसमें पूरा का पूरा क्या है? देखिए छू के, पूरा का पूरा आपका सूखा हुआ है। सूखा है, पूरा सूखा है, पूरा। तो यानी इसके ऊपर ही तो पानी डाले थे ना, ये पूरा सूखा हुआ है। और ये चीज किस चीज से बना है उसको देखना है आपको, ठीक है? तो देखिए इस चीज कैसे बना है। ये देखिए पूरा का पूरा कॉटन है। पूरा का पूरा क्या है? कॉटन। पूरा का पूरा आपका कॉटन है, ठीक है? यानी आपको कितना अच्छा चीज है, ठीक है? तो फर्स्ट लेयर हो गया। चलिए अब बात करते हैं सेकंड लेयर का। तो यानी इसमें आपका सेकंड लेयर मिलेगा आपको, ये देखिए ये है आपका क्या लेयर? सेकंड लेयर। सेकंड लेयर है। और सेकंड लेयर को भी हम फाड़ के देखेंगे क्या है। ये भी कॉटन, कॉटन है। दो लेयर हो गया। इसके बाद इसका एक और लेयर रहता है जो इसके साथ ही उठ गया था, फिर भी हम दिखा दे रहे हैं। ये देखिए इसमें और एक लेयर रहता है जो तीसरा लेयर होता है, और उसको भी फाड़ेंगे तो पूरा का पूरा क्या है? कॉटन है, ठीक है? तो तीन लेयर हो गया। तीन लेयर के बाद आपको जो चीज मिलेगा उसको देखना। ये न्यू है, यूनिक है, वो है इसके अंदर पानी एब्जॉर्ब करने का जेली। ये क्या है? ये क्या करता है? ये पैड के अंदर रहता है, जितना भी पानी डालिएगा ये उसको जेली में क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है। और ये जेली का खास बात यही है कि ये आप चीज को ठंडा रखता है। जैसे आपका रुई इसको गर्म रखता है, ये क्या रखता है? ठंडा रखेगा। और दो नंबर, इसको हम लोग कितनों भी दबाएंगे तो ये जेली ही निकलेगा, पानी नहीं निकलेगा। इसको हम लोग कितनों भी दबाएंगे क्या निकलेगा? जेली, जेली ही निकलेगा, एक ड्रॉप पानी। इसको देखिए हम झाड़ लिए हाथ से, ठीक है? आप देखिए मेरा हाथ बिल्कुल भी भीगा हुआ नहीं है। हाथ को हम झाड़ लिए ऐसे करके तो मेरा हाथ बिल्कुल भी भीगा हुआ नहीं है। यानी इसको कितनों भी हम हाथ से ऐसे ऐसे करें, दबाए, कुछ भी करें, मेरा एक ड्रॉप भी पानी आपका इसमें नहीं लगेगा। यानी इसमें और फिर से पानी ये नहीं होगा, ठीक है? तो ये इसका खास बात है। और ये चीज कोई केमिकल नहीं है, ये केले के पेड़ के अंदर जो चीज रहता है उससे बना हुआ ये जेली है। और इसमें आप लोग इस चीज को अपने माँ बहन को दीजिए,
आपको बहुत अच्छा उन लोगों को अनुभव होगा, उन लोग ट्राई करेंगे। तो ये चीज है। इसके बाद हम आपको और एक डेमो दिखाना चाहते हैं जो इस एंटी रेडिएशन चिप का है। इसका भी बहुत बड़ा काम है, इसका भी हम आपको डेमो दिखा। तो हम लोग पैड का डेमो देखें। अब पैड का डेमो देखने के बाद जो आप लोगों को बताए थे कि एंटी रेडिएशन चिप का जो हमको डेमो देखना है, तो ये जो एंटी रेडिएशन चिप है पैड के अंदर, इसको मैंने पानी में भिगा दिया है, ठीक है, पानी में रख दिए हैं सिर्फ, और इसको हम यहाँ पर रख दिए। अब इसका डेमो देखेंगे, इसका लाभ क्या होता है। तो पहले डेमो देखेंगे, उसके बाद इसका लाभ बताएंगे। तो कोई भी एक आ जाइए, आप ही आ जाइए, ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हो जाइए, ठीक है, खड़े होके। अपना नाम क्या है? संजय कुमार। संजय कुमार, आपका वेट कितना है? 46। एज कितना है? 22। ओके, आप ऐसे हाथ ऐसे करके खड़े रहिए, सीधा करके, ठीक है, सीधा करके खड़े रहने के बाद आपको क्या करना है, क्या हम यहाँ से आपको प्रेशर करेंगे, ठीक है, एक पैर उठा लीजिए, ऐसे कुछ नहीं, हाथ में प्रेशर है, हाँ ठीक है, ये हाथ पैर उठाइए, ठीक है, पैर को सटाइएगा नहीं, ऐसे करके सटाएंगे नहीं, ठीक है। हम जैसे यहाँ से हाथ से थोड़ा सा प्रेशर करेंगे, अगर आपको बैलेंस बिगड़ता है तब पैर को नीचे कर दीजिएगा, जितना तक सहन करने का है उतना तक लेकिन सहन कीजिएगा, जितना प्रेशर सहन कर सकते हैं, ठीक है, ओके, रेडी, चलिए, ठीक है, फिर से भाई सटाइएगा नहीं, ठीक है, फिर से भाई ऊपर उठाइए। आपको सिर्फ महसूस ये आपको महसूस क्या हो रहा है, कितना प्रेशर डाल रही महसूस हो रहा है, समझ रहे हैं ना, चलिए ओके। इसके बाद इनको हम ये वाला चीज लगाएंगे, ठीक है, ठीक है, लगा देने के बाद हमको एक से दो मिनट इसको रखना है, एक से दो मिनट सिर्फ रखना है, दो मिनट में ही इसका काम करना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। हम लोगों ने चिप लगा दिए हैं और चिप लगाने के बाद इनका क्या आ रहा है वो हमको देखना है। प्लीज खड़े हो जाइए, आपको फिर से पैर नीचे कर लीजिए, जब आपको उठाने बोलेंगे तो उठे, चलिए उठाइए, ठीक है, सटाइएगा नहीं, ठीक है, अब हम जितना प्रेशर देंगे उसको सहन करने का कोशिश कीजिएगा, उसके बाद छोड़िएगा, फिर उठाइए, चलिए, अब देखिए, समझ रहे हैं, चलिए फिर सुन भाई, समझ में आ रहा है क्या स्ट्रेंथ इसके अंदर आया है। चलिए सर बताए थे ये हाथ उनका फ्रैक्चर है, ठीक है, हम इस हाथ में भी करेंगे, ठीक है, चलिए पैर भाई, कोई डरने की जरूरत नहीं है, पड़ गए लोग, पैर अच्छे से उठा लीजिए, समझ में आया, चलिए ऊपर उठे, आपको अब कैसा, पहले जैसे आपको प्रेशर दे रहे थे उससे कितना ज्यादा प्रेशर बाद में सी? उससे बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है, लेकिन फिर आपको बैलेंस बिगड़ा नहीं, आपके शरीर में स्ट्रेंथ लग रहा है कि हाँ स्ट्रेंथ कुछ आया है, महसूस हुआ है कि नहीं हुआ? तो इस चीज को आप लोग भी अपने, ऐसा नहीं है कि आप लोग, हो सकता है कि वीडियो में सोचते होंगे कि इनको हम बोल कर रख दिए हैं, ऐसा समझा कर रख दिए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, आप लोग खुद घर में इस चीज को डेमो कीजिएगा और किसी के साथ डेमो कीजिएगा। सिर्फ एक चीज है कि इनका शरीर में मोबाइल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो चिप है ये एंटी रेडिएशन चिप है, यानी आपके शरीर साइड में जो रेडिएशन का प्रभाव पड़ता है, आप लोग अगर एक मूवी देखे होंगे रोबोट 2 जिसमें अक्षय कुमार और का रोल है, उसको अगर देखे होंगे रेडिएशन से क्या क्या चीज का खराबी होता है आपको बहुत अच्छे से उसमें पता चलेगा, ठीक है, तो वो रेडिएशन क्या होता है, इसके अंदर बॉडी में जाने से रेडिएशन का जो प्रभाव है उस प्रभाव से उनको बचाता है। और ये चीज जब महिला लोग के शरीर में अगर दो मिनट रहने के बाद इनके शरीर में इतना स्ट्रेंथ आ सकता है, तो महिला के शरीर में जब ये 12 घंटा रहेगा, 6 घंटा से 8 घंटा 12 घंटा रहेगा, तो कितना स्ट्रेंथ पैदा करेगा इनके अंदर, कितना आपको, क्योंकि उस दिनों में जब पैड यूज करते हैं महिला लोग, उस दिनों में क्या होता है कि उनके शरीर में कमजोरियां आता है, झिझनाहट सा आता है और बहुत सारे तकलीफ से जूझना पड़ता है, तो उस समय ये जो एंटी रेडिएशन चिप है उनको उसमें ऊर्जा पैदा करेगा और उनका जो प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम को, कमजोरी को दूर करेगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय श्री सौ। तो आप लोगों ने देखें कि क्या डेमो है एंटी रेडिएशन चिप का, पैड का क्या डेमो है। तो हम लोग बात करेंगे अब इसके प्राइस के ऊपर। तो इसका जो प्राइस है उसमें आपका 135 इसका MRP है, 135 इसका MRP है, और इसमें आपको 10 पैड मिलता है,
कितना पैड मिलता है? 10 पैड मिलता है और जेल के साथ है। और आपने डेमो भी देख लिया तो 135 रुपए में आपको 10 पीस मिलता है, यानी एक पीस का आपका पड़ता है 13 रुपए 50 पैसे। तो बहुत लोगों ने कहते हैं कि सर ये तो हमको 30 रुपए में 6 को मिलता है, तो मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि सर जी अगर वो 6 पीस आपको उसमें 30 ml पानी लिया, 60 ml देते देते उसका हालत खराब हो गया, और इसमें 120 ml तक पानी लिया, यानी इसका कितना डबल लिया? 4 डबल पानी लिया। यानी अगर उस दिनों में महिला लोगों को क्या होता है 2 से 3 पैड पर डे यूज करना पड़ता है, तो आप इसमें एक पैड अगर यूज करेंगे तो आपका आपका एक पैड अगर महिला लोग यूज करेंगे तो आपका पूरा दिन भर हो सकता है। यानी इनका 3 पैड बराबर इनका 1 पैड है, बराबर नहीं उससे ज्यादा ही है, ठीक है। तो मेन बात है कि अगर 3 पैड इनका लेंगे तो इनका दाम कम से कम 18 रुपया पड़ेगा और इसका दाम मात्र 13 रुपए 50 पैसा पड़ेगा। और मैं और एक चीज बात बताना चाहता हूं, इस रेट से कंपनी का कुछ ऑफर है और उस ऑफर में इस चीज को जो लोग कंपनी का प्राइम मेंबरशिप लिए हुए हैं, कंपनी का एक प्राइम मेंबरशिप है, उस प्राइम मेंबरशिप अगर कंपनी में कोई लिए हुए हैं तो ये प्रोडक्ट आपको 50% ऑफ यानी 50% डिस्काउंट में मिलेगा। प्राइम मेंबरशिप के लिए आप इस YouTube चैनल से कॉन्टेक्ट करें और बात करें कि आपको प्राइम मेंबरशिप कैसे लेना है। थैंक यू।